वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? अनोश। अब्दुल सबूर। कौन सी क्लास? सिक्स। भाइयों? कजन। कजन हो, कौन किसका बच्चा? ये खाला का बेटा। खाला का बेटा, चलो मुझे बताओ वो कौन है? तो जो आपके कजन्स की तो आंटी है मगर आपकी आंटी नहीं है। समझ नहीं लगी क्वेश्चन मेरे। सब कुछ आपका सेम ही होगा ना कजन्स का। वो कौन है जो आपके कजन की तो आंटी है आपकी आंटी नहीं है? क्यों? मेरे दोस्त की आंटी। अरे कजन की आंटी है, आपकी आंटी क्यों नहीं है? उसकी मामा है वो मेरी आंटी। ओए होए, जो उसकी आंटी है वो आपकी आंटी क्यों नहीं है? मेरी मामा। गुड, तालियां बजाओ भाई के लिए। क्या सुनाओगे? सॉन्ग। तुम क्या सुनाओ? सॉन्ग। अपने बाद भाई उसको दे दो। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अरशे बरी, मिंबर तेरा अरशे बरी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा। मस्त मलंग जाकी तई साडा दिल तंग जाकी तई, दिल दे तू यार में, तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, दिल दे तू यार में, तू यार मेरा सोना सोना। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। दोनों के लिए ये गिफ्ट बांट लो। जी यार मेरा सोना सोना, नाइस सॉन्ग। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद आतिफ अब्बास। क्या करते हो? बिजनेस। किस चीज़ का? बाइक शोरूम। ओके गुड, ठीक है। कितने की आज आजकल बाइक है? एक बाइक सिटी होंडा 70,000। ओके, सवाल करें आपसे? हाँ जी। चले मुझे बताएं कि मर्द अपने लेफ्ट हैंड पे और औरत राइट हैंड पे घड़ी क्यों पहनती हैं? हिंट मिल सकती है? अच्छा, बड़ा जरूरी काम है, अगर वो वजह ना हो तो लोग घड़ी ना पहने। क्या सुनाओगे? सॉन्ग। माइक पकड़ो, सामने देखो। करना है गुस्सा मेरी निकी निकी गल दा, एना नहीं हो सोने प्यार चलदा। इसमें तो नहीं आपको गिफ्ट मिलने का, सही से सुनाना पड़ेगा। नहीं मिले कोई बात। चले शुक्रिया जी। इन्होंने ना सवाल का जवाब दिया और बड़ा टिड्डा सा सॉन्ग सुनाया, तो लाहौर न्यूज़ गिफ्ट इज़ नॉट यूज़लेस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट, सो आई विल नॉट गोना गिव यू गिफ्ट। किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? अलीज़े मोहसिन। आपका नाम? मोहसिन सलीम। लड्डू का क्या नाम? मोहम्मद फातेह। माशाल्लाह, क्या उम्र है इसकी? ये एक साल का है। एक साल का, माशाल्लाह, हाइट बहुत अच्छी है। एक साल में चलता है अभी? हाँ जी चलता है। ओके, और कुछ बोला? बोलता नहीं है, दाबा जाता है। दाबा फाते, लाइट्स कहाँ पे हैं? लाइट्स कहाँ पे? ओए कहाँ पे है लाइट्स? वही पसंद है। और क्या पसंद है इसको? इसको काफ़ी चीज़ों का पता है। फाते, आपके सॉक्स कहाँ पे हैं? सॉक्स कहाँ पे हैं? चले जी, मुझे बताएं मर्द अपने लेफ्ट हैंड में और औरतें राइट हैंड में घड़ी क्यों पहनती हैं? घड़ी क्यों पहनती हैं? शायद उनको अच्छा लगता है। मर्द अपने लेफ्ट हैंड में और औरतें राइट हैंड पे घड़ी क्यों पहनती हैं? उसके पीछे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, रीज़न है। वो क्या रीज़न है? वेरी सॉलिड रीज़न। दिल की धड़कन की? ओह नो। क्या शेयर करेंगे? मैं दाल की रेसिपी बता देती हूँ। तो दाल बनाने के लिए आपने सिंपल है, एक कप दाल डालनी है, 5 कप पानी डालना है, लहसुन डालना है, एक नमक मिर्ची और हल्दी डाल के उसको चूल्हे पर रख देना है 30 मिनट के लिए। फिर आपने तड़का लगाना है देसी घी का, और उसमें मतलब जितनी आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप डाल लें, ज़ीरा डाल लें और
मिर्चें डाल लें सूखी, कुछ भी डाल लें, चार डाल लें, जितना आप मज़े का बना सकते हैं। जब आप बहुत बिजी हो तो आप दाल बना लें। मैं मेरी अपनी है, खुद से लिखी हुई है मैंने अलीजे के लिए। फसादे, एक मिनट फाते इसको पकड़ो। फसादे खल्क से बचा के रखा हुआ, एक ख्याल है सीने में दबा के रखा हुआ। तेरे बगैर मेरे सीने में दिल है ऐसे, कोई चिराग हो जैसे बुझा के रखा हुआ। फ्रेम में कहाँ है तस्वीर सजाई हुई, ये तो चंद लम्हों को है समय से चुरा के रखा हुआ। ये तकरीबन 3 साल पहले। अच्छा, क्या फीलिंग आई, कैसे मतलब आमद हुई इसकी? बैठा हुआ था, दिल किया लिखने को, तो मैं अक्सर लिखता हूँ, तो ये फिर मैंने लिखी, ये मुझे याद है। मेरी पब्लिश नहीं करने का सोचा? नहीं, अगर आफ्टर 40s। क्यों? इकट्ठे करता जा रहा हूँ, तब कुछ करने को नहीं होगा, तब मैं अपनी बुक्स पब्लिश करूँगा, पोइट्री वगैरह। जरूर करिएगा। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। जी, एक बहुत अच्छा टैलेंट देखा। इतना नहीं होता किसी में कि ये लिखना इतना आसान नहीं है, तलफ़ुज़ का ख्याल, ऊंच नीच बड़ी नोटिस करनी पड़ती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। चले जी, 2 सवाल। मर्द अपने राइट हैंड में, सॉरी लेफ्ट हैंड में, और ख़वातीन राइट हैंड में घड़ी क्यों पहनती हैं? मैंने बार बार आपको हिंट दिया, बहुत ज़रूरी काम है, उसलिए पहनती है क्योंकि वो टाइम देखने के लिए पहनती है। वट एवर द हैंड इज, जो भी हो, मैंने वजह पूछी है। वजह तो टाइम देखना, जहाँ मर्जी पहनो घड़ी। ओके, वैसे क्या होता है कि घड़ी जो है वो आपको पहननी चाहिए, लेकिन अब जो है ना वो घड़ी एक ज्वेलरी बन चुकी है, एज़ कम्पेयर के टाइम लोग मोबाइल पे देखते हैं और घड़ी जो है वो ज्वेलरी बन चुकी है। अब आपने घड़ी ली है 2 लाख रुपये की, अब उसमें बेशक सेल ख़त्म हो गया है, लेकिन आप उसको पहनोगे क्योंकि आपने 2 लाख लगाया उसके ऊपर, तो ये बड़ा रीज़न काउंट करता। अच्छा, सवाल का एक और जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा डैम किस मुल्क में? दुनिया का सबसे बड़ा डैम है चाइना में, वो इतनी बिजली बनाता है कि पाकिस्तान की पूरी बिजली उस एक डैम से पूरी हो सकती है। और आज का टैलेंट ऑफ द डे मेरे ख्याल से वो लड़का था जिसने शायरी लिखी और उसने कहा मैं 40 साल के बाद उसको पब्लिश करूँगा। वो इसलिए टैलेंट था क्योंकि इतनी मुश्किल लाइनें उसने खुद लिखी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखे। भूजो तो जीतो, हम सब का फेवरेट प्रोग्राम, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, शाम को 7 बजे देखें, जो अगली सुबह 5 बजे और 11 बजे रिपीट होगा, देखना ना भूलें। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।